हेलो गाइस होरेसियो यो और आज हम uh, खेलने वाले हैं रुको आज कुछ खेलने नहीं वाले मैं भूल गया आज हम करने वाले हैं एक स्टोरी टाइम वीडियो सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो सो गाइस बिफोर दिस वीडियो स्टार्ट्स आई वुड लाइक टू लेट यू नो दैट आई हैव ऑफिशियली रिलीज माय डिस्कॉर्ड सर्वर प्लीज do join it i will leave the link in the description okay now let's continue with the video so i'll start with the basic uh, line first uh, it was night time i'll just tell you the plot so it was night time and uh, all the lights were gone from uh, my house and in the society uh, the whole area the lights were gone so, uh, what we did is, I, uh, me, and my friend uh, went outside because uh, we liked to walk and we had eaten a lot of stuff. It was after uh, my friend's party. So, what happened next is, we went outside. We walked. अबाउट फॉर टू थ्री मिनट्स देन आफ्टर दैट वी हम रुक गए हमें एक uh, कुछ तो शाडोई फिगर दिखा भूत जैसा <laughs> तो उसके बाद मैंने क्या किया हमने क्या किया हम uh, उधर छुप गए थोड़ा सा क्योंकि हम सबको डर लग रहा था तो उसके बाद वो शाडोई फिगर पास हुआ और वो एकदम स्कैरी गोस्ट वैसा लग रहा था ओके okay. उसके बाद हम क्या हुआ हम उसका पीछा करने लगे सो so, उसके बाद पीछा करने के बाद वो कुछ कोई तो और ही जगह जा रहा था बहुत सुनसान जगह पे फिर क्या हुआ कि okay. हाँ <laughs> नहीं डराना नहीं है ठीक है ठीक है उसके बाद वो ऐसे एकदम सुनसान जगह पे चला गया हमको लेके गया मतलब हम उसके पीछे पीछे जा रहे थे हमको लेके नहीं गया था बट उधर जो जिधर भी गया वो बहुत सुनसान था फिर क्या हुआ वो घर के अंदर गया उधर के और वो एक टूटा फूटा घर था बहुत ज़्यादा टूटा था फूटा था और हम सब ने एक दूसरे को पूछा कि हम उस घर के अंदर जाए या नहीं जाए या जाए वट एवर सो हम हम सब अग्री कर रहे थे सिर्फ एक छोड़ के तो उस हम सब इसीलिए हम जा रहे थे बट उसको अकेला नहीं जाना था घर पर बोर हो जाता है इसीलिए वो हमारे साथ आया तो हम अंदर गए तो अंदर पियानो बज रहा था पियानो बज रहा था ज़ोर से ज़ोर से हाई वॉल्यूम था बहुत उसका शायद तो हम वो जो था ना उसको बहुत डर लगा क्योंकि उसके ऊपर से वो थोड़ा सा टूटा फूटा घर था ना तो उसके ऊपर ऊपर से मकड़े का जाल गिरा मतलब जाल नहीं एग्जैक्टली exactly. उसके अंदर उसके ऊपर ये गिरा ये थोड़ा सा एक छोटा टुक प्लैंक का टुकड़ा तो वो चिल्लाने ए मम्मे ऐसा कुछ ऐसा बचाओ बचाओ ऐसा दे चिल्ला नहीं वाला था तभी मेरे दूसरे दोस्त ने उसका मुंह बंद कर दिया तो उसके बाद हम गए हाँ तो हम एक रूम में गए उधर भी सब टूटा फूटा मकड़े के जाल वो ये वो वो फिर उधर एक रॉकिंग चेयर थी अब आ, क्या हुआ उस रॉकिंग चेयर का वो रॉकिंग चेयर घूम रही थी मतलब हिल रही थी जब उस पर कोई भी बैठा नहीं था अब क्या वो जो सबसे डरा हुआ था जिसने बोला नहीं जाना है अंदर वो तो और भी डर गया क्योंकि वो ऐसे रॉकिंग चेयर कोई नहीं है हिल रही है उसको डर लगा बट रियलिटी में सिर्फ उधर की उस वो रात बहुत विंडी थी क्योंकि उसके अगले दिन बारिश गिरने वाली थी सो so, वो विंड से मतलब वो हवा से हिल रही थी और हवा हवा ज़ोर से आ रही थी तो खिल खिड़की की भी खुल खिड़की भी खुली थी ना तो उसके बाद क्या हुआ वो हम अंदर गए वो बोल रहा था कि मत जाओ मत जाओ इधर भूत है भूत है बट हम में विश्वास नहीं था भूत में तो फिर आ, क्या हुआ हम ऊपर वाले फ्लोर पे गए हमें उधर से पियानो वाला आवाज़ आ रहा था फिर वो दूसरा रोने लगा है भाई मुझे नहीं जाना नहीं जाना वो बहुत डराबना है तो फिर मैंने उसको बोला अगर तुझे नहीं जाना है तो फिर तू घर जा सब ने बोला उसे तो उसने बोला रहन दो मैं इधर ही ठीक हूँ तो फिर उसके बाद क्या हुआ हम एक अलग रूम में गए उधर ऐसा जब हम चल रहे थे वैसा क्रीकिंग साउंड आ रहा था ऐसा अजीब साउंड रहा था वो और भी स्कैरी और फिर वो पियानो का जो म्यूज़िक था वो और भी ज़ोर से होने बजने लगा फिर ठक ठक ऐसा पैरने पैर की आवाज़ आने लगी हम छुप गए फिर उसके बाद हम छुपने के बाद क्या हुआ वो ठक ठक आवाज़ और भी तेज़ हो गई और फिर बंद हो गई वो फिर हम उस ठक ठक आवाज़ को छोड़ के थोड़े से अलग जगह पे जाने लगे फिर वो अलग जगह पे जाने के बाद वो पियानो का साउंड के पास हम इवेंचुअली आ गए तो वो इवेंचुअली वो पियानो का साउंड जो था वो बढ़ने लगा इसलिए हमें पता चल गया तो हमने हम अंदर चले गए फिर वो जो भूतिया क्रीचर हमें लग रहा था वो उधर बैठा था फिर आगे क्या हुआ वो क्रीचर ऐसा क्रिपली पीछे मुड़ रहा था हम सब डर गए फिर क्या हुआ वो पियानो तो उधर था भी नहीं उधर वैसे ही उसके अंदर से आवाज आ रहा था ऐसा लग रहा था हमें वो आवाज आने के बाद क्या हुआ आ, वो पीछे मुड़ा तो पीछे मुड़ने के बाद वो ऐसा कंबल लट या फिर कुछ तो लपेटा हुआ क्रीपी फेस ऐसा तो सब उधर से भागे सिर्फ मेरा एक दोस्त था वो रह गया उसने उसका ठीक से चेहरा देखा फिर उसके बाद क्या हुआ गाइस आप सोच भी नहीं सकते वो वॉचमैन था लिटरली वॉचमैन वो कम्बल लपेट के जा रहा था इस घर में और वो म्यूज़िक जो आ रहा था पियानो का वो उसके मोबाइल से मतलब उसके रेडियो से आ रहा था स्पीकर काइंड ऑफ और वो जो है वो वो ठक ठक आवाजी जो आ रहे थे ना वो उस म्यूजिक से ही आ रहे थे उसको पता चला हम सबको हम इतने डर गए थे बट उसने हमें बुलाया अरे क्या है यार तुम क्या डरते हो ये देखो ये कौन है फिर हम सब हंसने लगे फिर हम सब घर गए और